तेरा साथ है कितना प्यारा, तेरा साथ है कितना प्यारा, कम लगता है जीवन सारा। तेरे मिलन की लगन में हमें आना पड़ेगा दुनिया में दोबारा, हमें आना पड़ेगा दुनिया में दोबारा। तेरा साथ है कितना प्यारा। हेलो दोस्तों, अगर आप भी अपने घर बैठे संगीत सीखना चाहते हैं तो आपके लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त ऐप प्ले स्टोर पर अवेलेबल है जिसका नाम है रियाज ऐप। इसमें आपको काफ़ी सारे फीचर्स देखने को मिलेंगे जिसमें इंडियन क्लासिकल, कर्नाटक स्टाइल, काफ़ी सारे फीचर्स इसमें अवेलेबल हैं। इसमें आप अपने लेवल के हिसाब से अपने सिंगिंग को इम्प्रूव कर सकते हैं और अपने स्कोर को भी चेक कर सकते हैं। हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिलेगा आपको, उस पर क्लिक कीजिए, प्ले स्टोर से इसको डाउनलोड कीजिए और महान गुरुओं से संगीत सीखिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल चौधरी ब्रदर्स पर। और आज हम ये सुपरहिट सॉन्ग बना रहे हैं, तेरा साथ है कितना प्यारा। और इस सॉन्ग को आज हम सीखेंगे विद म्यूजिक पार्ट, विद फिलर पार्ट। और दोस्तों, अगर आप भी इस सॉन्ग को अच्छे से विद म्यूजिक विद फिलर सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में हम विद म्यूजिक विद फिलर तो आपको सिखाएंगे, साथ में डिस्प्ले पर आपको नोटेशन भी मिलेगा, ठीक है। और आज हम इसको जो करेंगे इसके ओरिजिनल स्केल से करेंगे, जो इसका ओरिजिनल स्केल है गाने का उसी स्केल से करेंगे, ठीक है। तो आइएगा शुरू करते हैं, और शुरू करने से पहले बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है। हाँ दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। जी हाँ फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वो सपोर्ट कीजिएगा। अगर आपको इस चैनल से कुछ सीखने को मिल रहा है और आप कुछ सीख पा रहे हैं तो चैनल को फाइनेंशियली जरूर सपोर्ट कीजिए। आइए शुरू करते हैं, देखिएगा। इसका जो ओरिजिनल स्केल है वो दूसरा काला है, डी शार्प, ठीक है, डी शार्प माइनर इसका कोड है। अब स्वर समझ लीजिए कौन कौन से इसमें यूज होंगे, सा रे गा मा पा धा नी सा, ठीक है। ये रूप है स्वरों का, मतलब कहने का ये हुआ कि आपका गा कोमल है, आपका धा कोमल है और नी कोमल है, ठीक है। ये तो आपका मध्य सप्तक है, ठीक है। और अगर मंद्र सप्तक की आप इसे बात करें तो आपका शुद्ध नी और शुद्ध धा, ये भी एक म्यूजिक पार्ट में एक जगह यूज होगा, ठीक है। ये स्वरों का चलन रहेगा। अब देखिएगा गाने की जो स्टार्टिंग है वो एक इंट्रो पार्ट से होती है, म्यूजिक का इंट्रो पार्ट है। अब देखिएगा म्यूजिक का जो इंट्रो पार्ट है वो है, ये पार्ट है, ठीक है। अब स्लो में समझ लीजिएगा, मैं इसको हाई नोट पर बजा रहा हूं, आप यहां भी बजा सकते हैं, अब देखिएगा मैंने बजा करके आपको दिखा दिया, इसका नोटेशन समझ लीजिएगा। इसमें सा और मंत्र सप्तक का आपका पा यूज होगा और गा और रे, ठीक है, पा सा रे गा, ये चार स्वरों पर ये पार्ट है। पहले इतना देखिएगा, सा पा सा गा सा पा सा रे, अब ये है और स्वर देख लीजिए, सा पा सा गा सा पा सा रे, ठीक है। तो एक राउंड पहले पूरा समझ लीजिए कितना है इसका,
ये एक राउंड हुआ इसका, इस तरह से इसके दो राउंड एक साथ बजेंगे, ठीक है। ये आपका इंट्रो पार्ट है। अब इंट्रो पार्ट के बाद अब आपका फिर जो गाने की स्थाई है उसी धुन को इंस्ट्रूमेंटल बजाया जाता है गाने में, और वो क्या है, जो गाने की स्थाई की दो लाइनें हैं, तेरा साथ है कितना प्यारा, कम लगता है जीवन सारा, यहां तक का ये जो है इंस्ट्रूमेंट से बजाया जाता है। तेरा साथ है कितना प्यारा, नोटेशन देखिएगा इसका, पा 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 दा पा नी दा पा मा, पा 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 दा पा नी दा पा मा, मा 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 पा मा दा पा मा गा, मा 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 पा मा दा पा मा गा। ये दो लाइन बजाने के बाद फिर म्यूजिक पार्ट थोड़ा चेंज है, फिर है गाना शुरू होता है। हालांकि इसमें बैकग्राउंड में एक स्ट्रिंग का पार्ट है और वो जैसे ये पार्ट आता है, रे गा मा पा, ये ऊपर की तरफ चला जाता है क्योंकि गाने की जो स्थाई शुरू होती है वो पा से शुरू होती है, सा रे गा मा पा पा से शुरू होती है। अब यहां से फिर गाने की स्थाई शुरू होती है, तेरा साथ है कितना प्यारा, पहले इतना आएगा केवल, तेरा साथ है कितना प्यारा, इतना आने के बाद एक फिलर आएगा फिर। अब ये जो है, तेरा साथ है कितना प्यारा, इसका नोटेशन मैंने बताया अभी आपको, पा 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 दा पा नी दा पा पा, ठीक है, यहां तक आया। अब जो फिलर है वो फिलर देखिएगा, ये है फिलर, पादा पानी धा पा मा, पादा पानी धा पा पा, पादा पानी धा पा मा, पादा पानी धा पा पा, ये फिलर है। ये फिलर होगा, उसके बाद फिर वापस ये लाइन रिपीट होगी, तेरा साथ है कितना प्यारा, कम लगता है जीवन सारा। ये नोटेशन भी मैंने आपको अभी बता दिया, जो स्टार्टिंग में म्यूजिक में जो बजाया गया है वो यही नोटेशन है, ठीक है। उसके बाद तेरे मिलन की लगन में, तेरे मिलन की लगन में, गा 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 रे सारे, गा 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 रे सारे, तेरे मिलन की लगन में, गा 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 रे सारे, ठीक है। अब उसके बाद हमें आ
रे सा सा रे सा सा सा, हमें आना पड़ेगा दुनिया में दोबारा, दुनिया में दोबारा, रे सा सा रे गा रे सा सा सा। ठीक है, अब हमें आना पड़ेगा दुनिया में दोबारा, अब ये दुनिया में दोबारा, पामा पामा गा रे सा सा, दुनिया में दोबारा, पामा पामा गा रे सा सा। ठीक है, अब इसके बाद फिर फीमेल वाला पोर्शन शुरू होता है इस टाइम में। मैंने पापा मांगा, इतना मैंने पापा मांगा। ठीक है, मैंने तन मन तुझ परिवारा, प्यास बुझी ना करके नजारा, तेरे मिलन की लगन में हमें आना पड़ेगा दुनिया में दोबारा। ये सब सेम है दोनों पोर्शन। ठीक है, हमें आना पड़ेगा दुनिया में दोबारा। अब उसके बाद फिर फीमेल का पोर्शन जहां पर खत्म होता है वहां फिर मेल वाला पार्ट आता है लास्ट में, म्यूजिक के लिए जब छोड़ा जाता है। तो स्थाई का जो एंड पार्ट है वो क्या है? तेरा साथ है कितना प्यारा, ये तेरा साथ है कितना प्यारा गापा। ठीक है, यहां फिर छोड़ा जाएगा म्यूजिक पार्ट के लिए। अब इसके बाद आएगा आपका म्यूजिक पार्ट। अब म्यूजिक पार्ट देखिएगा, इतना म्यूजिक पार्ट है पहले, और ये एक पोर्शन को 5 बार बजाया गया है। ठीक है, अब वो पोर्शन देखेगा कितना है। इतना पोर्शन है, इसको 5 बार बजाया गया है। गारे सारे गा मा पा मा, गारे मा गारे सा, गारे सारे गा मा पा मा, गारे मा गारे सा, गारे सारे गा मा पा मा, गारे मा गारे सा। इतना ही पोर्शन है, इसको 5 बार बजाया गया है। ठीक है, अब इसके बाद फिर आता है आपका अंतरा। अब अंतरा देखेगा, जो अंतरा है, जितनी तुझ में है अदा, उतनी ही वफा, उतनी ही वफा। फिर ये है, जितनी तुझ में है अदा, ये है, पा पा द पा मा पा धनी धनी द पा पा मा मा द पा पा पा। जितनी तुझ में है अदा, इतने का नोट आधा कितना बना? पा पा द पा मा पा धनी उतनी ही वफा, उतनी ही वफा, धनी द पा पा मा मा दा पा 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 पा।
उसके बाद जितना जहां में प्यार है तुझसे मुझे मिला, तुझसे मुझे मिला। ठीक है, ये आपका अंतराय। इसके बाद बढ़ती जाए, फिर ये पोर्शन है, इसमें भी वही फिलर है जो हमने स्टार्टिंग में स्थाई में शुरू में यूज किया था। बढ़ती जाए पादा पानी दा पापा, जो लिरिक्स है उसकी नोटेशन ये है, बढ़ती जाए पादा पानी दा पापा। अब उसके बाद फिर फिलर है, ठीक है, फिर उसके बाद ये बेताबी, फिलर वही है जो पहले भी यूज हमने स्थाई में किया था और यहां पर भी सेम फिलर है। ठीक है, बढ़ती जाए पादा पानी दा पापा, ये बेताबी पादा पानी दा पापा, ये नोटेशन सेम है। उसके बाद बढ़ती जाए ये बेताबी जितना करूं जारा, ये सेम नोटेशन वही है, तेरा साथ है कितना प्यारा, कौन लगता है जीवन सारा तेरे मिलन की लगन से, बढ़ती जाए ये बेताबी जितना करो नजारा। ठीक है, इस तरह से फिर ये वापस स्थाई की तरफ आ गए हम। हमें आना पड़ेगा दुनिया में दोबारा, वापस स्थाई आ जाएगी। और म्यूजिक पार्ट मैंने आपको बता दिया है। हाँ, म्यूजिक पार्ट में ये है कि जो मैंने अभी आपको स्थाई के बाद का म्यूजिक पार्ट बताया है वो शॉर्ट में बताया है, क्योंकि जो पूरा पार्ट है उसमें बाद में स्ट्रिंग का भी है, कुछ एडवांस लेवल का पार्ट है जो बिगनर्स तो नहीं कर पाएंगे और वीडियो भी काफी बड़ी हो जाती, इसलिए जितने पार्ट से आपका काम चल जाएगा मैंने उतना पार्ट आपको बता दिया है और इंट्रो पार्ट आपको बता दिया है। मुझे उम्मीद है कि मेरी ये कोशिश आपको पसंद आई होगी, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सपोर्ट करना ना भूलें। कीजिए आप इसकी प्रैक्टिस, मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, हैप्पी लर्निंग।